निघासन के गांव लुधोरी निवासी पीटर भार्गव के घर के सामने एक प्राचीन कुआं बना हुआ है। उसी के पास शंकर जी की एक मठिया भी स्थित है, जिस पर आसपास के लोग सावन माह में बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। कुछ साल पहले उसने उस कुएं का कुछ हिस्सा मिट्टी से पात दिया था। इधर पीटर सहित कुछ लोगों ने कुछ दिन पूर्व उस कुएं की सफाई का कार्य शुरू किया। पीटर का कहना है कि जब से उसने कुएं की पताई की है, तब से उसे तमाम तरह की विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पड़ोस के ही दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति को कुएं की सफाई करना नागवार गुजरा और उसने आपत्ति की। इस पर गांव में पंचायत हुई, दोनों पक्षों में फैसला भी हो गया। रविवार को फिर से ग्रामीणों ने कुएं की सफाई का कार्य शुरू किया, फिर भी दूसरे पक्ष ने कोतवाल को फोन किया। सूचना पर कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और सफाई कर रहे ग्रामीणों को जमकर फटकार लगाई। कोतवाल ने न केवल तुरंत सफाई कार्य को रुकवा दिया, बल्कि यह भी कहा कि अब कुओं के जमाने लद गए, पानी पीना है तो नल लगवाओ। कोतवाल के इस फरमान से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि सपा सरकार में कोतवाल की इस लकड़कट्टे से खूब छनती थी, इसलिए अपने पुराने संबंधों को निभाते हुए कोतवाल ने यह अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। आज का खुदाई की जाएगा, फिर काहे रोक दी? कहना है कि परमिशन तो इसके साथ सब हो तो कुआं तो भी पुराना है, फिर परमिशन का जरूरत है? उन्होंने बता रह रहा है कि परमिशन ले लो उसे।